हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा ने किया रेवसर कॉलेज के विद्यार्थियों से संवाद। शहीदों ने जो आजादी दिलाई उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य। नागाणी उपखंड स्थित मातोश्री शांताया हजारीमल केपी संघवी राजकीय महाविद्यालय रेवतर में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा विद्यार्थियों से रूबरू हुए। महाविद्यालय के प्राचार्य गोविंद नैनीवाल एवं विधायक जगसीराम कोहली ने श्री बिट्टा का स्वागत किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बिट्टा ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आजाद, सुभाष चंद्र, पटेल, नेहरू और गांधी ने जो बलिदान देकर आजादी हमें दिलाई है उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हम सभी को जातिगत और धार्मिक भेदभाव भुलाकर प्रथम रूप में स्वयं को भारतीय मानना है। भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाले बिट्टा ने कहा कि प्रत्येक का वास्तविक इतिहास पढ़ना चाहिए। देश को आतंकवाद से मुक्त कराने में हम नागरिक भी उतना ही सहयोगी हो सकते हैं जितना देश की सीमाओं पर खड़े सिपाही। बिट्टा ने रेवतर में कॉलेज खुलवाने के प्रयासों के लिए विधायक जगसीराम कोहली व भवन निर्माण कराने हेतु केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। केपी संघवी परिवार विदेशों में दौरा करते हुए भी अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूले हैं। इसके लिए रेवतर की समस्त जनता की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी महावीर जैन, महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य विष्णु कुमार शर्मा ने किया। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।